बहुत अच्छा लग रहा है जी, झंडे वाला मंदिर आकर के माता के दर्शन करके। बहुत डिसिप्लिन है, सब लोग डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी की कृपा है, फुल कृपा है, बचपन से आते हैं। पहला नवरात्र है तो आज तो हर हिंदू को यहाँ आना चाहिए। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज है नवरात्र का पहला दिन और आज हम आए हैं झंडे वाला मंदिर और यहाँ की भव्य जो झांकियाँ वो आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, ब्लू लाइन की मेट्रो से आप यहां झंडे वाला मेट्रो स्टेशन से उतरकर बड़ी आसानी से मां झंडे वाली के दर्शन करने आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मां झंडे वाली का ये प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, अभी नवरात्रि का टाइम है और ऐसे में यहां काफी भीड़ होती है, लेकिन इस बार पार्किंग से लेकर मां के दर्शन तक भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने काफी अच्छा इंतजाम किया है। बहुत सारे लोग इस नवरात्र में अधिक संख्या में आएंगे तो उसी प्रकार से हमने उनकी दर्शन और सुविधा का सारा हमने प्रबंध किया है। 3 स्थानों से आने की हमने व्यवस्था की है। 3 अलग अलग स्थान हैं, एक गरुड़ द्वार है, वो हमारे सेवादार और उनके परिवारों के लिए हमने अलग कर दिया ताकि बाकी जो भक्त लोग हैं उनको भीड़ से बचाया जा सके, उनको देर न लगे। एक द्वार है सिंह द्वार, वहाँ केवल हमारे जो भक्त लोग हैं सामान्य लोग वो वहाँ से प्रवेश करके दर्शन करेंगे। 3रा है मयूर द्वार, वहाँ हमारे कुछ जो मंदिर के सहयोगी हैं, मंदिर में बहुत लाखों रुपए का सहयोग करते हैं साल भर में, ऐसे कुछ लोगों के लिए और कुछ जो मेहमान आते हैं बड़े बड़े उनके लिए वो हमने एक अलग रखा हुआ है ताकि उनके बीच में वो व्यवधान ना आए सामान्य लोगों के बीच। तो इस प्रकार से हमने व्यवस्था की है। प्रसाद वगैरह की अभी भी चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मंदिर से निकलने पर हर भक्त को प्रसाद उसको देने की हमने व्यवस्था की है। भंडारा भी 2 प्रकार का हम बना रहे हैं, जिनका व्रत है उनके लिए अलग, जिनका व्रत नहीं है वो सामान्य भंडारा उनके लिए बनाया गया है। 4 स्थानों पर पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। 6 स्थानों पर हमने जूता स्टैंड बनाए हैं ताकि भक्त लोग अपने जूते चप्पल उतार कर और पंक्तियों में आ सकें। हर एक लाइन में उनको जल पिलाने की व्यवस्था है, हल्का हल्का संगीत बज रहा है ताकि उनको लाइन में खड़े हुए और वो असुविधा ना महसूस हो, उसको संगीत का आनंद लेते लेते वो मंदिर में दर्शन के लिए आए। 160 CCTV कैमरे लगाए गए हैं मंदिर के, मंदिर के चारों तरफ हर चप्पे चप्पे पर निगाह रहती है पुलिस के सहयोग के साथ। एक हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहाँ इसकी निगरानी सारा दिन चलती है। सफाई का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं ताकि भक्त को एक अच्छे वातावरण में जब वो आता है तो उसको आनंद आता है और उसको अच्छा लगे। अपने घर से ही कोई भी भक्त मंदिर की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। दर्शन का समय और तिथि वो अपने अनुसार चूज करके और अपना एक वो दर्शन का ई टिकट उसको मिल जाएगी, वो यहाँ पर दिखाए और वो सीधा आ जाए, उसको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इससे ट्रैफिक के अंदर और हमारी पार्किंग में भी हमें थोड़ा फायदा होगा। दोस्तों, यहाँ जूता घर में मैंने अपने जूते रख दिए हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं और इस समय हम लाइन में चल रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम मंदिर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, भीड़ है लेकिन मंदिर प्रशासन ने काफी अच्छे से मैनेज किया है तो आप यहां बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इस समय हम मुख्य मंदिर के गेट पर आ चुके हैं और यहाँ मैंने माता जी के दर्शन कर लिया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मुख्य पुजारी जी से इस मंदिर का महात्मा। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को झंडे वाला मंदिर से मेरा कोटि कोटि नमन। बासंतिक नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। माँ झंडे वाले मंदिर में सभी श्रद्धालु को आप देख रहे हो तांता लगा हुआ है। माँ झंडे वाली का ये जो पूजनीय
श्रद्धेय ये जो स्थान है, पूर्व काल में बद्र भगत जी ने यहाँ पर तप किया था और स्वप्न में आकर माँ ने उनको दर्शन दिया था। तो जब खुदाई हुई थी तो सर्वप्रथम झंडा निकला था, तो तभी से ही श्रद्धालुओं ने ही माँ का नामकरण किया और माँ झंडे वाले के नाम से अभी गृहित ये स्थान हुआ। तब से ही श्रद्धालुओं के यहाँ पे अगाध श्रद्धा है। समस्त जनमानस दिल्ली के, दिल्ली से बाहर भी सब यहाँ पर दर्शनार्थ आते हैं। दोस्तों, आज से यहाँ नवरात्रि का विशाल उत्सव शुरू हो चुका है। पूरे प्रांगण को बड़े अच्छे से सजाया गया है। आज यहाँ हर कोई भक्ति गीत संगीत के माध्यम से माँ का गुणगान करते हुए भक्ति भाव से समर्पित है। दोस्तों, माता जी के दर्शन के बाद अब हम यहाँ भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आए हैं। भगवान शिव जी का दरबार भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है और यहाँ शिव जी के अलौकिक दर्शन अब हमने कर लिया है। अब हम आ चुके हैं माँ नव दुर्गा की विशाल झांकी देखने, जहाँ माँ के नौ रूपों को दर्शाया गया है। जय माँ झंडे वाली। सभी दर्शनार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मंदिर में आए, दर्शन करें महारानी के खुले दर्शन। जय माता जी। दोस्तों, बाहर जाते समय आप यहाँ प्रसाद जरूर से लें। दोस्तों, यहाँ खाने पीने के ढेरों सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी जलपान, भंडारा, डिस्पेंसरी और महिलाओं के लिए फ्री मेहंदी लगाने की व्यवस्था है। आप यहाँ बैठ कर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। महिलाएं, बच्चे, सभी लोगों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में घूमने फिरने से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय माता दी।